इस दिन खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला। घोषित हुई टीम इंडिया की खतरनाक स्क्वाड, इन 16 खिलाड़ियों को मिला टीम इंडिया में मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच 3 मुकाबलों की T20 सीरीज का ऐलान हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये T20 मुकाबले कब खेले जाएंगे, कितनी बजे शुरू होंगे और आप इन T20 मुकाबलों को कहां पर लाइव देख सकेंगे, इनकी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि श्रीलंका को टीम इंडिया 3-0 से हरा कर शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली इस T20 सीरीज की, तो यह T20 सीरीज 3 मुकाबलों की खेली जानी है। लेकिन दोस्तों इस T20 मुकाबले में कई भारतीय खिलाड़ी हैं जो कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी हमें इस T20 सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि वो बतौर कप्तान ही इस T20 सीरीज में खेलेंगे, जबकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह भी वापसी करते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारतीय टीम की तरफ से देखा जाए तो काफी शानदार टीम बनती भी नजर आएगी, क्योंकि इस टीम में भारत के सभी सीनियर खिलाड़ी तो खेलते हुए नजर आएंगे ही, साथ ही गेंदबाजी में भी भारतीय टीम लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रही है। और अब जसप्रीत बुमराह की वापसी के बाद टीम इंडिया और भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जसप्रीत बुमराह के अलावा अर्शदीप उमरान मलिक जैसे खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा, जिन्होंने पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए कमाल की गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी में विकेट कीपर बल्लेबाजों की हम बात करें तो ईशान किशन और संजू सैमसन को टीम इंडिया में मौका मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत के लिए बुरी खबर आ रही है, क्योंकि ऋषभ पंत जहां तक बात की जाए तो पिछले कुछ समय से T20 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं और अब ईशान किशन के दमदार दौरे शतक के चलते उनकी टीम इंडिया में जगह बनती हुई मुश्किल नजर आ रही है। तो ऐसे में यहां पर हमें शायद ही इस मुकाबले में या फिर कहे तो इस सीरीज में ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। तो चले दोस्तों अब हम जान लेते हैं भारतीय टीम की पूरी स्क्वाड के बारे में कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से इस सीरीज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करें टीम इंडिया के सबसे पहले खिलाड़ी की, तो वो है कप्तान रोहित शर्मा। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर हमें KL राहुल टीम के वॉइस कैप्टन नजर आएंगे। तीसरे खिलाड़ी के तौर पर ईशान किशन को टीम इंडिया में जगह मिलेगी, जबकि चौथे खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली मौजूद हैं। तो पांचवें खिलाड़ी संजू सैमसन है, जबकि छठे खिलाड़ी के तौर पर सरेश अय्यर, तो सातवें खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव नजर आ रहे हैं। आठवें खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। तो नौवें खिलाड़ी के तौर पर वापसी कर रहे हैं रविंदर जडेजा, जबकि दसवें खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर हमें दिखने वाले हैं। तो 11वें खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह होंगे। टीम के 12वें खिलाड़ी अर्शदीप सिंह हैं। तो 13वें खिलाड़ी के तौर पर उमरान मलिक खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि 14वें खिलाड़ी के तौर पर यजवेंद्र चहल, तो 15वें खिलाड़ी कुलदीप यादव होने वाले हैं, जबकि 16वें खिलाड़ी के तौर पर भुवनेश्वर कुमार हमें दिखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी शानदार टीम नजर आ रही है। लेकिन आपके हिसाब से और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया की तरफ से इस सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं या फिर भारतीय टीम के लिए इस स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं? वैसे टॉप खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें रोहित शर्मा से काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो साथ ही साथ वॉइस कैप्टन KL राहुल को भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। इसके अलावा विराट कोहली तो शानदार फॉर्म में चल ही रहे हैं, वहीं पर इसके अलावा हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, सुरेश अय्यर और अगर संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वो भी कमाल कर सकते हैं। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये मुकाबले कितने बजे शुरू होंगे, वह कब खेले जाएंगे। तो दोस्तों T20 सीरीज के मुकाबले की हम बात करें तो पहला मुकाबला खेला जाएगा मुंबई में, जो कि खेला जाएगा 3 जनवरी को। यानी कि 2023 का टीम इंडिया अपना पहला T20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी और यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम के 7 बजे शुरू होगा। वहीं पर दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला पुणे में खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा 5 जनवरी को। यह मुकाबला भी शाम के 7 बजे ही शुरू होगा, जबकि सीरीज का तीसरा व आखिरी मुकाबला राजकोट में खेला जाना है। यह मुकाबला खेला जाएगा भारतीय समयानुसार शाम के 7 बजे 7 जनवरी को। यानी कि दोस्तों 3 जनवरी, 5 जनवरी और 7 जनवरी को टीम इंडिया के सभी मुकाबले शाम के 7 बजे खेले जाने हैं। अब हम आपको बता दें कि आप इन्हें कैसे लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मुकाबले आपको स्टार स्पोर्ट पर भी लाइव देख सकेंगे, साथ ही साथ मोबाइल में आप इन्हें हॉटस्टार पर देख सकेंगे और साथ ही साथ फ्री डिश यानी कि DD स्पोर्ट्स पर भी आप इन मुकाबलों को लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों क्या लगता है, भारतीय टीम अपने ही घर में तो श्रीलंका को 3-0 से हरा सकती है? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और कौन सा खिलाड़ी को आप टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए देखना चाहते हैं यह भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।